और आइए अब नजर डालते हैं इलेक्शन टॉप 10 की खबरों पर। समाखलेश यादव का तूफानी दौरा जारी, सीएम आज करेंगे 6 जनसभाएं, मेरठ में 5 और हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में होगी सीएम की जनसभा। यूपी में आज सीएम अखिलेश और राहुल गांधी की एक और संयुक्त जनसभा, मेरठ के नौचंदी ग्राउंड में संयुक्त जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की गाजियाबाद और संभल में रैली आज, गाजियाबाद कविनगर के रामलीला ग्राउंड में और संभल के चंदौली मौलागढ़ में होगी रैली। केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज एटा में करेंगी चुनावी प्रचार, सैनिक पड़ाव मैदान में 12 बजे जनसभा को करेंगी संबोधित, प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगी वोट। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की 4 जनसभाएं आज, शामली के कैराना में 1, मुजफ्फरनगर में 2 और मेरठ में 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जादी का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा, 8 और 9 फरवरी को लखनऊ में रहेंगे नसीम जादी, विधानसभा चुनाव तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज, घनसौली पौड़ी रामनगर में शाह करेंगे जनसभाएं। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक होंगे उत्तराखंड दौरे पर, जेपी नड्डा राजनाथ सिंह उमा भारती की होगी जनसभा, 10 11 और 12 फरवरी को मोदी भी करेंगे जनसभा। राहुल गांधी का आज हरिद्वार में होने वाला रोड शो टला, कुमाऊं में करेंगे रोड शो, रोड शो की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। और सीएम हरीश रावत का जागेश्वर दौरा आज, जागेश्वर के भनौली में जनसभा को करेंगे संबोधित, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट।